गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कैसे आप अपने बचे हुए फैब्रिक से ये स्टाइलिश सा ब्लाउज बना सकते हैं जो कि फेस्टिवल्स और वेडिंग के लिए परफेक्ट है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने बचे हुए फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले ये मैं 4 इंच फैब्रिक को 4-4 में फोल्ड कर लूँगी, उसके ऊपर मैं अपना ब्लाउज प्लेस कर लूँगी और मार्किंग दे दूँगी। तो 1 इंच अंदर हेमिंग के लिए लेना है और आपको साइड, लेंथ, नेक सारी चीज़ें मार्किंग कर लेनी है। शोल्डर का मैं एंड मार्क करूँगी, उसके बाद मैं उसे साइड में अपने मिला लूँगी इस तरह कर्वी शेप देके। उसके बाद मैं सीजर की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद आपको ऐसे 2 फैब्रिक मिलेंगे। सबसे पहले मैं फ्रंट का फैब्रिक लूँगी और नेक कट करूँगी। तो जितना भी लेंथ का आपको नेक चाहिए आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर मैं 5.5 नेक ले रही हूँ। मार्क करने के बाद मैं उसे एक राउंड शेप दे दूँगी और उसे फिर मैं सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया। फिर मैं सेंटर भी कट कर लूँगी और ऐसे मुझे 2 फैब्रिक मिल जाएंगे अपने फ्रंट के, क्योंकि मैं सेंटर में बटन लगाने वाली इसलिए। उसके बाद मैं बैक कर लूँगी। बैक का मुझे इस बार लेंथ बहुत बड़ा रखना है। नीचे से मैं 2 इंच लूँगी और फिर मैं इस तरह का शेप दूँगी अपने बैक के नेक को। उसके बाद कट कर लूँगी क्योंकि बिंडल में मैं फैब्रिक लगाऊँगी इसलिए मैंने इतना बड़ा सा नेक कट कर लिया है। उसके बाद बिंडल में फैब्रिक लगाने के लिए आपको जो बचे हुआ कपड़ा है वो लेना है। यहाँ पे मैंने ये मल्टी कलर का लिया है, इसमें बहुत ही अच्छा जो लग रहा था। उसके बाद मैं ये अपना बैक का नेक प्रेस करूँगी और उसके बाद मैं इस तरह शेप दे दूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह मैं दोनों साइड में अपने मार्किंग दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं वो नेक को लेकर शोल्डर से लेकर नीचे तक थोड़ा स्पेस छोड़कर 1-1.5 इंच का स्पेस छोड़ के वहाँ पे इस तरह का कर्वी मार्किंग दे दूँगी। और उसके बाद मैं नेक को भी 1 इंच का नेक बना लूँगी। इस तरह मैं नेक भी मार्क कर लूँगी ये फैब्रिक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क करने के बाद मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद मुझे इस तरह का फैब्रिक मिलेगा। अब मैं इसे अटैच करूँगी। सबसे पहले मैं जो है जो मेरा ऑरेंज का ब्लाउज था उसका जितना भी नेक का है उसे 1 इंच अंदर डाल के मैं हेम कर लूँगी। हेमिंग करने के बाद फिर हम मिडिल को ऐड करेंगे जो हमने कट किया था। इसके लिए हमें दोनों भी साइड जो है 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लेनी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने 1 इंच अंदर डाल के हेम किया। उसके बाद मैं अपना ब्लाउज प्लेस करूँगी बैक साइड का। फिर मैं नीचे का बॉटम भी अटैच कर लूँगी इस तरह। तो यहाँ पे आपको नीचे का बॉटम अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आप इस तरह का आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप दोनों साइड का फ्रंट प्लेस करेंगे उल्टे साइड और उसके बाद दोनों भी शोल्डर्स हेम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हेल्थ शोल्डर्स हेम कर लिया है। हेम करने के बाद आपको स्लीव्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं अम्ब्रेला स्लीव्स बनाऊँगी। तो इस फैब्रिक से मैं अम्ब्रेला स्लीव्स बनाऊँगी। तो इसे मैंने 4-4 में फोल्ड कर लिया है इस तरह। इसके बाद मुझे जितनी लेंथ चाहिए अपनी स्लीव की मैं रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच लिया है, आप बड़ी भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं अपना ब्लाउज का 1 पार्ट लूँगी और जो शोल्डर्स का है वो मैं फोल्डेड साइड पे प्लेस करूँगी इस तरह, शोल्डर्स का एंड। और इस तरह मैं शेप मार्क कर लूँगी। जिस भी शेप में आपकी स्लीव है उस शेप में आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद जहाँ यहाँ पे मैं अम्ब्रेला स्लीव रखूँगी तो मैं पूरा एंड मार्क करूँगी इस तरह। इस तरह हमें बहुत घेर वाली स्लीव्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क करने के बाद मैंने दोनों स्लीव्स कट कर लिया है। उसके बाद मैं अपने ब्लाउज पे इस तरह उसे अटैच कर लूँगी और ब्लाउज का बॉटम पार्ट भी मैं उसे 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों भी स्लीव्स अटैच कर लिए है और मैंने नीचे का हेम भी कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको फोल्ड करना है और दोनों भी साइड्स हेम कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने साइड्स भी हेम कर लिया है। उसके बाद जितने भी रॉ एजेस है फ्रंट साइड के बैक साइड के वो आपको 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे रॉ एजेस हेम कर लिया है। उसके बाद आपको कोई भी लेस ऐड करनी है, आप लेस भी ऐड कर सकते हो या उसे एज इट इज़ रख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर की प्रीटी सी लेस लगाई है। आप चाहो तो इससे फैब्रिक ग्लू से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लेस लगा ली है। उसके बाद आप बीच में चाहे बटन ऐड कर सकते हो या डोरी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हुक ऐड कर सकते हो, कोई भी ऐड कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हुक्स भी लगा लिया है। और उसके बाद मेरा ब्लाउज़ जो कि बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितना प्रिटी लग रहा है। आप इसे चाहो तो एज अ जैकेट भी पहन सकते हो। सो गाइज आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें कि मैं आपके लिए किस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। और अगर आपकी कोई भी वीडियोज़ की रिक्वेस्ट है वो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।